Hey everyone, welcome back to my channel. तो हम लोगों ने ना अचानक से सडनली बैठे बैठे एक ट्रिप प्लान की और मैंने की फटाफट से पैकिंग और हम लोग निकल पड़े इस ट्रिप पर. और इस ट्रिप पर जाने का एक और रीज़न था, वो मैं आपको इस ब्लॉग में बताऊंगी. तो मैं मॉर्निंग में उठ गई थी सुबह 4 बजे और फटाफट से तैयारी करके हम लोग निकल पड़े. और अभी हो रहा है मॉर्निंग का 6:30 AM और ड्राइव हस्बैंड ही कर रहे हैं. तो हम लोगों को ये था कि हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे टाइमली पहुंच जाएं. तो अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकले और यहाँ पर ढाबे पर रुककर हम लोगों ने फिर चाय वगैरह ली. और मॉर्निंग का व्यू देखिए कितना प्यारा आ रहा है. आज कितने दिनों बाद मतलब सुबह देखने के लिए मिली, वरना तो घर में बंद रहते हैं तो ये सुबह कहाँ देखने को मिलती है. और चाय वगैरह लेने के बाद हम लोग फिर निकल पड़े अपने सफ़र पे. बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने, हम 4 ही लोग थे सफ़र पे, पर बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को, बहुत इन्जॉय किया. और यहाँ खिला रही हूँ मैं तानू को ज़बरदस्ती खाना, क्योंकि ये लड़की जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते ना, ये खाना खाने के मूड में बिल्कुल नहीं रहती है. और ये हो गया है हरा भरा सफ़र शुरू. देखिए कितनी ग्रीनरी दिख रही है यहाँ पर. करीब 3-3:30 बजे हम लोग होटल पहुंच गए थे और नेटवर्क सर्चिंग की वजह से या क्या रीज़न रहा, मेरे फ़ोन की बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी थी. तो आगे की मैंने कोई क्लिप शूट नहीं कर पाई. और फिर जब हम लोग होटल पहुंचे, जब टाइमली आ ही गए हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना फ्रेशन अप होकर के बाबा जी के दर्शन अभी किए जाएँ. तो हम लोग बस फ्रेश होकर के और फिर नीचे आ गए दर्शन करने के लिए. और अंदर आश्रम की मैंने कोई क्लिप शूट नहीं की है, क्योंकि हम आश्रम में आए हैं, दर्शन करने आए हैं, तो मन वहाँ लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहता है. तो हम लोग आप पीछे का व्यू देख रहे हैं. अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 या 7:15. मैं उठ तो मॉर्निंग में ही गई थी, बट यहाँ ठंडा बहुत ज़्यादा था, तो मैं रूम से बाहर थोड़ा देर से आई और पीछे का व्यू इतना प्यारा आ रहा है. और यहाँ पर क्या हुआ कि मैं आप लोगों के साथ में बात कर रही थी, बट पीछे से पता नहीं कहाँ से इतना ज़्यादा शोर आ गया अचानक से, तो फिर मुझे यहाँ वॉइस ओवर करना पड़ रहा है. इतना सुंदर दिख रहा है यहाँ पर, इतना सारा, ये पूरा पाइन वैली बोलते हैं इसको, और बहुत सारे यहाँ पर पाइन के ट्री हैं. ये कितना सुंदर यहाँ से लग रहा है पूरा. और मंदिर से आ रही है शंख की आवाज़. तो बस अभी हम लोग थोड़ी देर में उठने वाले हैं सब लोग और फिर तैयार होके निकलते हैं. तो अभी करीब 9 बजे का टाइम हो रहा होगा और सभी लोग उठ गए हैं, सबने नहा धो लिया है और बस अब हम लोग रेडी होकर के निकलने वाले हैं मंदिर के लिए. यहाँ पे ना तैयार होके हम लोगों ने फोटोज क्लिक कराई थी अपनी, और तानू की फोटो नहीं हो पाई थी तो वो मुंह बना रही थी कि मेरी फोटो क्लिक नहीं हुई, और बाद में वो रोने ही लग गई. फिर उनको मना बना के उनके साथ में फोटोज क्लिक की हम लोगों ने, और उसके बाद फिर हम लोग निकले मंदिर दर्शन के लिए. तो ये जो बाबा जी का आश्रम है ना महाराज जी का, ये पूरा पाइन वैली के बीच में बना हुआ है. इतना सुंदर यहाँ का नज़ारा है, इतना मतलब सुकून है इस जगह पर. और मैं जब भी क्लिप शूट करना शुरू करती हूँ ना, मेरे बच्चे पीछे से टोकने लगते हैं, अरे बंद करो मम्मा, आप क्या फ़ोन लेके. तो मैं वही डांट रही थी अब उसको. और यहाँ से देखिए आश्रम नीचे दिखाई दे रहा है. हम लोग के होटल से आश्रम करीब 400-500 मीटर दूरी पर था, तो यहाँ से हम लोग पैदल ही नीचे गए. तो चलते चलते हम लोगों को फिर एक शॉर्टकट दिखाई दिया, तो सब लोग वहीं से जा रहे थे शॉर्टकट लेकर के, तो हम लोगों ने कहा हम लोग भी शॉर्टकट लेते हैं. और यहाँ से हम लोगों ने शॉर्टकट लिया और फटाफट नीचे आश्रम पहुँचे हम लोग. और आज तो अच्छा खासा रश हो रखा था मंदिर में, क्योंकि वैकेशन का टाइम पड़ गया था. और मैंने बस बोला था ना कि एक रीज़न और है इस ट्रिप को प्लान करने का, तो वो रीज़न ये था क्योंकि आज है मेरे पतिदेव का बर्थडे. तो हम लोग बहुत ही अच्छे दिन पर महाराज जी के दर्शन करने के लिए पहुँचे. और यहाँ पहुँच के ना आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे आप सपनों की दुनिया में पहुँच गए हैं. पीछे जंगल है, बीच में आश्रम है, साइड से नदी बह रही है, मतलब बिल्कुल मूवीज़ वाला या सीरियल्स वाला एकदम फील आता है. तो बस महाराज जी के दर्शन करने के बाद फिर हम लोग निकले नैनीताल.
तो फाइनली यहाँ पर रुक कर हम लोगों ने किया ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर जो सफ़र शुरू है ना, इस सफ़र में हमें खुद ही नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। आप लोग भी साथ साथ में देखते जाइए कि आगे क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले तो यहाँ से हम लोगों को मिलना शुरू हुआ जाम, और ये जाम ऐसा लग रहा था कि ख़त्म होने वाला ही नहीं। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कितनी दूर तक गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, और ये सिलसिला पूरे नैनीताल तक चला। और नैनीताल पहुँचने के बाद भी मतलब 9-10 किलोमीटर पहले ही हम लोग की कार्स को रोक लिया गया, और वहाँ बताया गया कि नैनीताल पैक हो चुका है, आप लोग अपनी कार्स ऊपर नहीं ले जा सकते। तो पहले तो लगा कि कहीं कार में ही ना सोना पड़ जाए, फिर लगा कि कहीं हम लोगों को यहीं से वापसी ना करनी पड़े, लेकिन फाइनली हम लोगों ने अपनी कार को पार्किंग में लगाया, अपना लगेज लिया और हम लोग आ गए कैब बुकिंग के लिए। तो यहाँ से अब हम लोग जाएंगे कैब बुक करके ऊपर नैनीताल, और वहाँ भी दिक्कत इतनी हो रही है, इतने टूरिस्ट आ चुके हैं कि रूम मिलना मुश्किल है। क्योंकि जब हम लोग कैब से जा रहे थे तो कैब ड्राइवर ने हम लोग को बताया कि सर रूम मिलना बहुत मुश्किल है। तो अब तो हम लोगों के पास गाड़ी भी नहीं थी, तो कि गाड़ी में सो जाते, तो ये तो ना एकदम ऐसे हो गया था, मतलब सफ़र का जितना हम लोग इंजॉय कर रहे थे ना वो सब यहाँ पर जोश ठंडा पड़ चुका था। तो फाइनली हम लोग नैनीताल पहुँच गए हैं, सामने लेक दिख रही है, बट अभी तो ये है कि पहले रूम ढूंढा जाए। तो लेक के मज़े तो हम लोग बाद में लेंगे, पहले हम लोग अपना रूम का इंतज़ाम करते हैं। तो हस्बैंड गए हैं रूम फाइनल करने के लिए, और हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं उनका। और पूरी रास्ते सफ़र करते करते हम लोग थक चुके हैं, बच्चों को नींद आ रही है। तो फाइनली रूम फाइनल हुआ, और अब हम लोग जा रहे हैं रूम पे। और रस होने की वजह से ना इस बार लेक व्यू का होटल हम लोगों को नहीं मिला, तो कहीं थोड़ा सा अंदर जा कर के हम लोगों ने रूम लिया। बट इस पहाड़ों में ना क्या सबसे अच्छा था, आप कहीं भी रुको आपको नज़ारे बहुत अच्छे अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। तो लेक व्यू का नज़ारा तो नहीं ले पाएंगे, ये थोड़ा सा मज़ा यहाँ पर किरकिरा हो गया, बट कोई नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। तो अच्छा सा प्लान करके फिर आते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग आज ही मॉल रोड घूम लेंगे, वैसे भी ये हम लोगों का चौथा ट्रिप है नैनीताल का, तो मॉल रोड ऑलरेडी घूमी हुई है, बट हम लोगों का जो भी इंजॉय करना है आज ही करते हैं। तो फटाफट से हम लोग फ्रेश होकर के नीचे आ गए हैं, अब यहाँ से हम लोग करेंगे बोटिंग, क्योंकि तानू का बहुत मन था, उनको बोटिंग करनी थी, तो हम लोग अब जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए। तू धार है नदियों की। पानी हरा है, खैर वैसे तो पेड़ों की छाया के जैसे पेड़ों की छाया, पानी इसलिए हरा है क्योंकि वो पत्ती है, पेड़ों की छाया पड़ती है ना चारों ओर से पेड़ है, चलो पानी हरा हो गया, फिर वही बात, पानी मेरे ऊपर डाल दे रखी है ऐसी गर्दन गर्दन क्यों ऐसे कर रहा है, तू मेरे ऊपर ही डाल रही है दुष्ट लड़की, बंद कर मछलियाँ बहुत हैं यहाँ पे, देख लेना नहीं तानू ऐसे एक करके आए, वो ही वो जो उसमें मांग रही थी ना डॉल्फिन। तो बोटिंग एंजॉय करने के बाद हम लोग फिर से आ गए मॉल रोड पर, और देखिए कितनी गाड़ियाँ ना वापस जा रही हैं, क्योंकि वाकई में रस बहुत हो रखा था, तो काफी लोग वापसी भी कर रहे थे। तो अब हो गई थी शाम, और हम लोगों को लग रही थी बहुत जोरों की भूख, क्योंकि हम लोगों ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था, पूरी रास्ता ऐसे ही चलते चलते हम लोगों का निकल गया था। तो फाइनली डिसाइड हुआ कि अब कुछ खाया पिया जाए, तो हम लोगों ने बिल्कुल सिंपल फूड ऑर्डर किया है यहाँ पर, और खाना ऑर्डर करने के बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया, और इसके बाद हम लोग निकल गए नैना देवी मंदिर दर्शन करने के लिए। टाइम हो
हो रहा था करीब 9 बजे का, तो हम लोग मंदिर से बाहर आ गए और फिर हम लोगों ने थोड़ी सी विंडो शॉपिंग एंजॉय की और मॉल रोड बहुत खूबसूरत डेकोरेट हो रखी थी क्योंकि क्रिसमस का टाइम है ये, और बस हम लोग इस तरह मस्ती मारते हुए विंडो शॉपिंग एंजॉय करते हुए फिर हम लोग आ गए अपने रूम पर। तो ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्यू। आज करनी थी हम लोगों को वापसी और देखिए सनराइज हो रहा है और यहाँ से पूरी हिमालयन रेंज दिख रही थी हम लोगों को और इतना सुंदर व्यू था ना ये, सनराइज़ का मज़ा लिया हम लोगों ने। और उसके बाद तैयार व्यार होकर के हम लोग निकल पड़े और कल हम लोगों ने कोई शॉपिंग नहीं की थी, बस बच्चों ने कुछ एक सामान लिया तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो शॉपिंग करके ही जाऊँगी, तो इनको ज़बरदस्ती पकड़ के हम लोग आ गए हैं अब मॉल रोड पर। और यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ की जो मार्केट है, जो मॉल रोड है, वो शॉप 10:30 से पहले ओपन नहीं होने वाले हैं, तो मेरा मूड बहुत ऑफ हो गया कि मेरी शॉपिंग भी इस बार रह गई। तो बट टाइमली वापसी भी करनी थी तो हम लोगों ने चाय वाय ली अपनी और फिर हम लोग निकल पड़े वापसी के लिए क्योंकि अभी कैब बुक करना था और फिर वहां तक जाना था जहां हमारी कार खड़ी थी। और यहां पर हमें दिखा एक पहाड़ी डॉग हट्टा कट्टा सा, तो कैब मिल गई है हम लोगों को, अब हम लोग जा रहे हैं जहां हमारी कार पार्क की हुई थी वहां पर। ऊँचे नीचे पहाड़ वाली, यहाँ का व्यू देखे ना एकदम बचपन वाली याद आ गई, जो बचपन में आर्ट पेपर आता था उसमें देते थे कि एक सीनरी बनाइए और हम लोग फटाफट से माउंटेन्स बनाते थे 2-3 और उसमें पीछे से सनराइज करा देते थे। तो इन माउंटेन्स को देख करके बचपन की यादें फिर से ताज़ा हो गई, फिर से बचपन में एक बार हम लोग चले गए। तो बस वहाँ से हम लोगों ने अपनी कार ली और उसके बाद फिर निकल पड़े अपने वापसी के सफ़र पर। वैसे तो हम लोगों ने 4 दिन का ट्रिप प्लान किया था बट इतना रश था और इतना सब कुछ वहाँ पर मतलब प्लान के हिसाब से नहीं हुआ, तो हम लोगों ने फिर 3 दिन में ही वापसी का प्लान बना लिया और हम लोग वापस निकल पड़े। बोलो तो कम से कम। और यहाँ पर जब मैं ये सारे व्यूज़ शूट कर रही थी तो तानू मुझे एडवाइस कर रही थी कि मम्मा व्लॉग बना रही हो, कुछ तो एक्सप्लेन करो, कुछ तो बोलो, बट मुझे नहीं समझ में आता है कि मैं उस वक्त क्या बोलूँ, क्या एक्सप्लेन करूँ। यहाँ की खूबसूरती कुछ एक्सप्लेन करने लायक है ही नहीं है, खुद अपने आप में सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है। इतना सुकून हम लोगों को अपनी शहर की भीड़भाड़ वाली लाइफ में नहीं मिलता है। और फाइनली माउंटेन्स छोड़ करके हम लोगों को अपने मैदानी इलाके में वापस आना पड़ा। और यहाँ पर देखिए हम लोग रुके हैं ना, अभी करीब 2 बज रहा था दोपहर का, तो हम लोगों ने यहाँ पर लंच किया और यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हम लोग कहीं गाँव में आ गए हैं, पीछे खेत थे और बहुत सुंदर यहाँ का भी व्यू था। तो सडन बना ये ट्रिप हम लोगों का बहुत मज़ेदार रहा। और सबसे बड़ी बात कि जिस दिन हम लोग वहाँ महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाना चाहते थे वहाँ पर पहुँचे, उनके दर्शन किए। तो आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, क्या आपने भी मेरा ट्रिप मेरे साथ एंजॉय किया है? अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और अगर मैं आपको अच्छी लगती हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर फ्रेंड्स एंड बाय बाय।